नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एनम जेएनएम एडमिशन फॉर्म की। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी को लेकर हो रहा है। लगातार आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या दूसरे प्रदेश के लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इस पूरी एलिजिबिलिटी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। कि ये सिलेक्शन की लिस्ट है लास्ट ईयर की, इसे हम आपको दिखाते हैं, आप यहाँ पर पूरी डिटेल को समझ पाएंगे। देखिए ये एनम की लिस्ट है, ये एनम की हम बात पहले करेंगे। तो एनम में आप देखेंगे ये स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ सारा स्टेट लिखा हुआ है। एनम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं, आप समझ लीजिए एनम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी और मेल नहीं करेंगे। और बात रही कि दूसरे प्रदेश के लोग अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं इस लिस्ट को, तो आप देख लीजिए यहाँ आपको मध्य प्रदेश के अलग प्रदेश के भी लोग मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि डिटेल्ड में देखिए यहाँ पर हमने सर्च करके आपको दिखा दिया कि इसमें पिछले साल भी अलग स्टेट के लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इस साल भी भर सकते हैं, लेकिन एनम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल भरेंगी। प्रदेश कोई भी हो उसे भर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन एनम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, और प्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश हो या किसी और राज्य के लोग हों, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। अदर जो स्टेट हैं उनके कैंडिडेट को रिजर्वेशन की बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं जेएनएम की, ये जेएनएम की है पिछले साल की। इसमें भी अगर कन्फ्यूजन है कि अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते, तो आप देख लीजिए इसमें सभी प्रदेश के लगभग जो है शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सभी दिख रहे हैं। अगल बगल के जितने भी राज्य भरना चाहें वो भर सकते हैं। बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो जेंडर वाइज आप देख लीजिए इसमें मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं, टॉपर ही मेल है इसमें। तो यानी जेएनएम में मेल, जेएनएम की जो वैकेंसी हैं, जेएनएम की जो आपकी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म आया, उसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं और सभी प्रदेशों के लोग भर सकते हैं, वो एनम या जेएनएम दोनों में। तो क्लियर कट आप समझ गए होंगे। अगर हम एक थ्रूली बात करें तो एनम के लिए बात करें, एनम और जेएनएम साथ ही में लेके एक टेबल आपके फॉर्म में हम आपको समझा देते हैं। तो एनम में केवल फीमेल कैंडिडेट, बाकी सभी राज्य आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है फीमेल ऑब्लिक मेल दोनों भर सकते हैं, और ये सभी राज्य, इसमें भी सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि सभी राज्यों के लोग भर सकते हैं। इसमें जो है गर्ल्स ऑब्लिक बॉयज भर सकते हैं, यानी मेल ऑब्लिक फीमेल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल। तो क्लियर अब आप समझ गए होंगे। बस अदर राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट के फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।